क्या नाम है भाई आपका? बताओ बताओ तो। आपका नाम, इनका नाम क्या बता दीजिए। इनका नाम पता नहीं क्या, राज में बर्बादी राज हो गया। चल तो बीजेपी की रही है, आनी वही चाहिए जी, जो सबका साथ सबका विकास वही कर रहे थे। गुंडा राज, आप अभी जाके देखिए थाने में, अपनी रिपोर्ट लिखवा के देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप सर नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, साहिबाबाद। यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बार साहिबाबाद की जनता किसके साथ है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ है। इससे पहले आपको हमने दिखाया बुलंदशहर का, कि बुलंदशहर की जो जनता है वो किसके साथ है। अब हम पहुँच चुके हैं साहिबाबाद में, साहिबाबाद से हम आपको दिखाएंगे कि साहिबाबाद की जनता किसके साथ है। यहाँ पे देख सकते हैं जनता बातचीत करने के लिए जरूरी है, इनसे हम राय जानेंगे कि ये लोग इस बार क्या चाहते हैं, ये लोग इस बार उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में हम सिर्फ अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ है। भाजपा सरकार सत्ता में क्यों आती है? भाजपा की सरकार सत्ता में इसलिए आती है, अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उसमें सब चीज़ें देख चुके हैं पूरी जनता की, किस तरीके से इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते हैं। और अभी अभी रिसेंट की घटना हुई है दिल्ली में, एक 9 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप किया जाता है, क्या इनकी ये कानून व्यवस्था है? ना दिल्ली में सुरक्षित है महिलाएँ, ना यूपी में सुरक्षित है, राजधानी में दिल्ली में ऐसे कार्य हो रहे हैं महिलाओं 9 साल की बच्ची के साथ। निर्भया का मामला देखा आपने, हाथरस का मामला देखा, इतने मामले हो जाने के बाद भी जब भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता काबिज करना। कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मतलब जो भी है वो गलत हो रहा है, बिल्कुल है ना, लेकिन यूपी गवर्नमेंट तो कह रही है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ से गुंडा राज खत्म हो चुका है। गुंडा राज, आप अभी जाके देखिए थाने में, अपनी रिपोर्ट लिखवा के देखिए, आपको पता लग जाएगा अगर आपकी कंप्लेंट लिखी जाती है नहीं लिखी जाती है। आप अपना नाम मुसलमान का बताइए और कंप्लेंट दे दिए जाके, और आप अपना नाम हिंदू का बताइए कंप्लेंट दे दिए जाके। ठाकुर के नाम की तो एकदम कंप्लेंट ले लेंगे, मुसलमान के अगर साथ के साथ में कोई ज्यादती होती है, कोई गलत चीज़ होती है, तो पुलिस बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देती है। अगर इंसान ठाकुर होगा, हिंदू होगा, तो उसकी एकदम बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा होता जा रहा है भाजपा सरकार में आने के बाद, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, माननीय अखिलेश यादव की सरकार आप देखना चाहते हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मम्मी अखिलेश यादव की सरकार जाना चाहते हैं। अच्छा, और जितने भी विकास हुए हैं ये समाजवादी पार्टी के बीच में हुए हैं, ये अब तो विकास का नाम ही खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल महंगाई इतनी हो गई, सरसों का तेल 180 को हो गया, पेट्रोल 100 रुपये, 105 हो गया, डीजल 100 हो गया, पब्लिक बर्बाद हो गई, बैंक के अकाउंट वकाउंट सब खत्म हो कर दिए, मुसलमानों के अकाउंट सारे ख़त्म हो गए, अब अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं सारे आईडी प्रूफ जमा करने के बाद में फिर भी नहीं खोल ले। आज मैं सारे दिन दिल्ली में रहा, अकाउंट नहीं खोला बिल्कुल मेरा, ना यूपी में खुला मेरा, अकाउंट खुलवाने ना ही खुला, उस वजह से नाराज है, मतलब काम हो रहा है, विकास तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, विकास नहीं हो रहा है। नहीं जी नहीं। अच्छा, कैसा विकास देखना चाहते हैं आप? विकास अखिलेश यादव की इखलास देखना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा, योगी राज में यहाँ पे कुछ काम गिना दीजिए, दो चार। कुछ भी नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी, क्या हो गया योगी के राज में? बर्बादी राज हो गया। अच्छा, हाँ बर्बादी हो गया देश, हर चीज महंगाई हो रही है, कोई सी चीज़ भी ऐसी नहीं है, जो गरीब आदमी 1 किलो लेने वाला था वो आज 250 ग्राम ले रहा, और बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे पेट भर के खिला रहा है उसे। इस टाइम तो विकास का मुद्दा तो बिल्कुल ही ख़त्म है, अब तो सिर्फ मुद्दा यह है कोई भी घटना होती है उस पर कोई सोच विचार होता ही नहीं है। अच्छा, वैसे आपने कहा कि यहाँ पे विकास तो कुछ है ही नहीं है, नहीं विकास नहीं। लेकिन मोदी जी वाला विकास तो है ना, सबका साथ सबका विकास। देखो, मोदी जी हमारे बिजनेसमैन हैं, सिर्फ जो भाजपा में लोग बैठे हुए हैं सिर्फ उनका विकास हो रहा है, उसके अलावा किसी का विकास नहीं हो रहा। और रही बात, मैंने भी बताया कि सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं की सुनी जाती है, हिंदुओं की भी सिर्फ उनकी सुनी जाती है जो भाजपा की सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, बाकी किसी भी हिंदू की नहीं सुनी जाती। शर्मा ले लो, ठाकुर ले लो, पंडित ले लो, किसी की भी, कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी हर समाज इस वक्त दुखी है, और योगी सरकार के अंदर सिर्फ जातिवाद को बढ़ाने का काम हुआ, इसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। पूरे 4.5 साल में अगर योगी सरकार ने एक भी प्रोजेक्ट किया हो तो हमको बताइए। अच्छा, वैसे सरकार तो कह रही है ना कि यहाँ पे काम हो, भले यहाँ पे ज़मीन पे काम ना दिखे, लेकिन उसी काम के आधार पे बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं। काम हुआ तो है, मोदी जी की उनके संसदीय क्षेत्र में देखिए आप, कितनी लाशें बही हैं, कितने कुत्ते नोचे ने खाया,
कितनी लाशें को उनके ऊपर कफन नहीं मिला, वहीं पर ही उनको मट्टी में दबा दिया, फिर बारिश हुई, फिर वो ऐसी हो गई हैं। क्या तस्वीर झूठ बोलती है? कुत्ते नोच के खा रहे हैं वो, मोदी जी तारीफ़ कर रहे हैं यूपी मॉडल की, वो उस चीज़ की तो तारीफ़ कर रहे हैं, कुत्ते नोच के खा रहे हैं लाशों को। आंकड़े कुछ हो रहा है, हकीकत कुछ हो रहा है। आपने देखा सेकंड वेव में कितनी बुरी हालत हुई है, लेकिन अब तक भी अगर थर्ड वेव आ जाती है, अब तक भी इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया थर्ड वेव के बारे में। केसेस दिन पे दिन और बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड वेव आती है तो बिल्कुल ही देखना इस भारत का कितना बुरा हाल होगा। सिर्फ इसकी वजह नरेंद्र मोदी और हमारे योगी जी होंगे, क्योंकि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेसमैन का कर्तव्य निभा रहे हैं। और योगी जी जो बैठे हुए हैं, वो उनको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए वो सिर्फ झूठा षड्यंत्र रचाकर, झूठे आंकड़े शो कर गोदी मीडिया को अपनी जेब में रखकर ये काम कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में ये सब चीज़ें दिख चुकी है कि भाजपा सरकार कैसे अपने उम्मीदवारों को जिताती है। यहाँ पे जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ का माहौल कैसा हिंदू मुसलमान का? देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करते। नफरत जब करते हैं जब ये सत्ता में बैठ के गोद के लोग, जब गोदी मीडिया पे आगे लोगों को भड़काते हैं, कोई किसी को वो नहीं है। और रही बात हमारे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुनील शर्मा विधायक है। जिस क्षेत्र में खड़े आप, 4.5 सालों में अगर एक भी बार वो इस रोड पर अगर उसने कदम रखा हो, पूरे 4.5 सालों में, अगर हमें यहाँ का विधायक चाहिए तो हमें विधायक चाहिए मनमोहन झा गामा जैसा, समाजवादी पार्टी का। मनमोहन झा कौन है? ये मनमोहन झा गामा समाजवादी पार्टी के हैं, जिला उपाध्यक्ष है। ये हर गरीब तबके के साथ में, सबके साथ में एक समान है कि कोई बड़ा आदमी इनके पास, आप 24 घंटे अगर इनके पास फ़ोन करेंगे 24 घंटे उपलब्ध रहता है आपकी सेवा में, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो। हम सिर्फ उनको अपना विधायक चुनना चाहते हैं, सुनील शर्मा जैसे 4.5 साल में अपने यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के, अगर वो इसको इस एरिया का नाम भी पता हो तो मालूम है, अगर ये जितने भी लोग खड़े हैं अगर उन्होंने फेस टू फेस भी अगर किसी को देखा हो, सिर्फ पोस्टरों में दिख जाते हैं कि वो हमारे सुनील शर्मा है, छोटी छोटी मूछें हैं उनकी, बाकी आज तक कोई नहीं। अगर वो सामने आ जाता है जब भी लोग नहीं पहचान पाएंगे उनको, इतनी बुरी हालत है उत्तर प्रदेश की। अच्छा। जी मतलब इस बार बदलाव यहाँ, इधर का आजिए थोड़ा सा, इधर आजिए यहाँ पे, मतलब इस बार जो जनता है वो बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है, लेकिन अगर ये भाजपा सरकार जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में षड्यंत्र रचकर उम्मीदवारों को अपने किडनैप करके, खुद पुलिस किडनैप, यानी कि सत्ता में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, विधायक खुद किडनैप करवाते हैं डीएम के दबाव में, पुलिस के दबाव में, ये पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पे सिर्फ अखिलेश यादव आएंगे, जिन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। जो उत्तर प्रदेश में काम करेगा हम उसके साथ हैं, हम किसी जातिवाद के साथ नहीं है। इस सरकार में हर वर्ग के इंसान परेशान है, हिंदुओं मुस्लिमों, सिर्फ उनका फ़ायदा है जो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक 21 साल का नौजवान जुड़ा हुआ था, उन्होंने अपनी बात रखी है। वैसे कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम इनकी राय आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको हम ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम हुआ है। वैसे आप किसी भी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ विकास ही विकास देखने को मिलेगा, लेकिन जनता आपको बताएगी, क्योंकि हम आपको हमेशा सच दिखाते हैं। वैसे कुछ लोग, क्या नाम है भाई आपका? बताओ तो यार, आपका नाम, इनका नाम क्या बता दीजिए? इनका नाम पता नहीं क्या, पता ही नहीं आपका नाम। हाँ जी, इनका नाम है राजेश शर्मा। अच्छा, राजेश शर्मा जी, ये अपनी बात अगर खुद बताएंगे, ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल भरे पड़े हैं, अगर ये बताएंगे अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से, इनके ऊपर उल्टा मुकदमा हो जाएगा। लोग इतने डर चुके हैं कि अपनी बात बताने के लिए बिल्कुल भी सामने। हम कहाँ डर रहे हैं, हम भी तो हैं, हम नहीं डर रहे हैं, बताइए आप डरते क्यों, हम भी तो हैं, हम भी तो दिखा रहे सच है, हम कहाँ डरते हैं, ना हमें किसी चीज़ से डर है। अच्छा अच्छा, आप तो बता चुके हैं। चाचा आपका, आप बताइए, कुछ तो बताइए, बोलो, बता चुके हैं। अरे सब ये कार्य जो बता रहे हैं सही चल रहा है, इस टाइम जो बता रहे हैं ना यही चल रहा है। सब बताओ, सरकार तो अच्छी वाली सही वाली होनी चाहिए, अखिलेश जी की चल रही है और क्या, उन्होंने कार्य, चल तो बीजेपी की रही है, चल तो बीजेपी की रही है, आनी वही चाहिए जी, जो सबका साथ सबका विकास वही कर रहे थे मोदी जी, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अजी कुछ भी नहीं हो रहा जी, सब परेशान है आज के डेट में, लॉकडाउन लगा दे जब भी कारोबार थोड़ा सा उठा है उसी टाइम लो जी लॉकडाउन। आप परेशान है खुद? सब मजदूर परेशान है भाई, एक दूसरे काम कड़ी जुड़ी हुई है कारोबार की, सब परेशान ही है इस टाइम। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं जी। आप चाहते हैं भाई जी? बदलाव चाहते हैं। किस तरीके का बदलाव? काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम चाहते हैं हम, काम से सब कुछ है, काम से ही रहना है हमें। अब यहाँ पे काम वाम नहीं है,
कोई काम नहीं है, नहीं कोई काम धाम नहीं जी। हमारे योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है? चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना क्या कहलाता है? अगर जनसंख्या नियंत्रण करनी है, लोगों को शिक्षित कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, तो जनसंख्या नियंत्रण खुद होगी। हमारे देश की पहचान दूसरे देशों में कैसे होती है कि वहाँ की इतनी जनसंख्या है, इतनी आबादी है, इतना नौजवान है। ये ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर एडजस्ट जनसंख्या पर नहीं कंट्रोल किया जा सकता, उसके लिए अलग नीति लाए, लोगों को जागरूक करें, लोगों को शिक्षित करें, जो जनसंख्या नियंत्रण होगी। योगी जी से बोलना चाहूँगा, 6-7 महीने पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर पूरी पब्लिक समझ चुकी है कि आपका ये पॉलिटिकल स्टंट है, जो लोग आपके बहकावे में नहीं आएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी यही बात कही थी कि सबसे पहले शिक्षा लाया जाए, शिक्षा अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग खुद कम बच्चे पैदा करेंगे। बिल्कुल, लोग शिक्षित होंगे, लोग जागरूक होंगे तो खुद जनसंख्या कम होगी। अब तुम ऐसे चीज़ों को लाकर, और रही बात कि लोगों में ये चीज़ भर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को होता है, मुसलमान को कोई जरूरत नहीं। नेता तो ऐसा कुछ नहीं कहता है, जो फैक्ट है। फैक्ट आप देख लीजिए ना, कितने नेता होगी, मैं अभी आपको निकाल के दिखा दूँ कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों कानून ला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो जिनको ये बता रहे हैं सिर्फ उनका ही नुकसान होगा, चुनावी एजेंडा है, पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव से 6-7 महीने पहले ये चीज़ें लाके सिर्फ वो चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या काम किया है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया। यदि वो कार्य करते तो इस तरह टेंशन में ना होते ना, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर वो इस तरह काम करते जनता उन्हें खुद ही कुर्सी पर बैठा देती, जो कि जनता के द्वारा जनता मान चुकी है। उन्होंने एक भी काम नहीं करा, तो आने वाले चुनाव में 2022 इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में ये पूरी तरह साफ होने वाले हैं। इन्हें 300 की बजाय 3 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख चुके हैं जनता के लिए उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। कारोबार, शिक्षा, हॉस्पिटलाइज और तुम्हारा काम कारोबार कुछ भी सब पूरी तरह से ठप है, जो कि सरकार पूरी तरह विफल रही है। आने वाले समय में अखिलेश यादव की सरकार पूरी तरह से आने वाली है यूपी चुनाव में। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पे बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार फिर से बना रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी दावा कर रही है, वो मैं नहीं जान पाता कि किस बिना पर दावा कर रही है, क्योंकि जनता जो है वही उन्हें चुनेगी और जनता पूरी तरह से उनके खिलाफ है, नाराज है। आने वाले चुनाव में बिल्कुल निश्चित ही है कि वो जाने वाली है। ये कुछ उनके मीडिया के दलाल हैं जो उनके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन आने वाले समय बिल्कुल साफ होने जा रही है जी। अच्छा, आप प्रदेश में योगी ने जो काम किया है 10 में से कितना नंबर देंगे? 0। जीरो क्यों? काम ही क्या क्या है? तेज बोलिए जी। नहीं, काम ही क्या क्या है? कह रहे हैं यहाँ पे रोजगार मिला है, हॉस्पिटल्स बने हैं, दवाइयाँ मिली है लोगों को। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, ध्वस्त पड़ा है, बच्चे नहीं पढ़ सकते। इधर अब जाओगे तो 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, भूमाफिया सरकारी स्कूल पर कब्जा कर रहे हैं, योगी शासन सो रहा है। काम बताओ, एक काम आप बताओ ना, क्या किया योगी जी ने आप बताओ मुझे? क्या सरकार कह रही है कि 4 लाख यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है? ऐसे रोजगार मिले कि सड़क से मार मार के लोगों को ले जा रहे हैं। अच्छा। सड़क से पुलिस मार रही है और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए ले जा रही है, ऐसे रोजगार मिले। इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी, किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार? शिवाजवादी पार्टी भाई। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पे जनता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो लगातार यही कह रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा, उस तरीके से कोई भी ज़मीन पर काम नहीं हुआ है। अब यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।